अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास टू इसका हमारा टॉपिक है द ह्यूमन बॉडी। चूंकि हमारे फर्स्ट फोर चैप्टर्स इस बुक के कंप्लीट हो चुके हुए हैं, अब हमने दोबारा रिवीजन स्टार्ट की हुई है इसकी। कल हमने बुक पेज नंबर 4 से ब्रेन के बोर्ड पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो किस तरह से और कौन कौन से फंक्शंस करता है। आज हम उसके अबाउट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 5 से वो करेंगे। सबसे पहले इसमें ये डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, ये इसको मैं जरा पढ़ती हूँ। व्हाई डू यू थिंक योर हेड इज सो हार्ड, हमारा जो सर होता है ऊपर इतना हार्ड क्यों होता है, क्यों अल्लाह ताला ने इसको इतना ज्यादा सख्त बनाया हुआ है। इट इज नॉट जस्ट सो यू डोंट हर्ट योरसेल्फ व्हेन यू हैड अ फुटबॉल, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप अपने हेड को हार्ड करें कि फुटबॉल हेड से जो है उसको थ्रो आउट करें, ये सिर्फ इसलिए नहीं अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, बल्कि क्यों है, योर हेड प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, दैट इज वाई इट इज सो हार्ड। क्योंकि अंदर हमारे हेड के हमारा ब्रेन होता है और ब्रेन को हमारा जो हेड है उसने प्रोटेक्ट किया होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इतना ज्यादा हार्ड बनाया हुआ है ताकि हमारा जो ब्रेन है, अल्लाह ना करे कभी हमें कोई चोट लग जाए, कोई इंजर्ड हो जाए हमें से कोई, तो उसको भी जो उसका ब्रेन है वो डैमेज ना हो, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमारा हेड है उसको इतना ज्यादा हार्ड बनाया हुआ है। तो अब आगे इन योर नोटबुक ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो हम करते हैं, आप इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है, व्हाट डज इट डू और ये क्या करता है। सेरिब्रम इसका आंसर है, सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ आर ब्रेन, हमारे ब्रेन का जो बिगेस्ट पार्ट है यानी कि सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा है, सेरिब्रम। ब्रेन के चूंकि 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेरिब्रम और दूसरा सेरिब्रम, जो सेरिब्रम है वो शॉर्ट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है, और जो सेरिब्रम है वो बिगेस्ट पार्ट है। इट हेल्प्स अस टू डू मैनी डिफरेंट वर्क्स, ये हमें बहुत से, अगर हम पूछा था ना व्हाट डज इट डू कि वो क्या करता है, ये हमें बहुत से काम करने में हेल्प आउट करता है, लाइक कलर्स, म्यूजिक एंड ऑल द ब्रेनी थिंग्स, जितने भी हम अपने ब्रेन से करने वाले काम होते हैं, हम थिंकिंग करते हैं, हम जो है राइटिंग करते हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हमारा कौन करता है, हमारा ब्रेन हमें हेल्प करता है, और ब्रेन में जो सेरिब्रम है हमारा पार्ट वो ये काम करता है, वो हमें म्यूजिक के बारे में, कलर्स के बारे में, इसके अलावा साइंस के, मैथ्स के, लैंग्वेज के जो वर्कआउट होते हैं सारे, जिनको ब्रेन लगा के दिमाग लगा के करने वाले काम होते हैं वो सारे हमारे सेरिब्रम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ योर सेरिब्रम एंड द राइट साइड, कि राइट साइड और लेफ्ट साइड जो सेरिब्रम की है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है, द राइट साइड हेल्प्स यू टू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक कलर, म्यूजिक एंड शेप्स, जो ब्रेन की राइट साइड होती है हमारी, यानी कि ये हमारा ब्रेन है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, जो राइट साइड है वो हमें इन चीजों में हेल्प आउट करती है, कलर्स वगैरह करने में, म्यूजिक जो हम सुनते हैं उसमें, और शेप्स वगैरह जो हम देखते हैं, जैसे हम इसको देख रहे हैं तो हम इधर स्क्वायर शेप में, कोई ट्रायंगल शेप में, कोई भी चीज, जिसकी चीज की कोई भी शेप है, ठीक है, जैसे हम बुक को देख रहे हैं हमें पता चल रहा है इसकी क्या शेप, मार्कर को देख रहे हैं इसकी शेप हमें पता चल रही है, ये कौन हमें बता रहा है, हमारे ब्रेन का सेरिब्रम, और सेरिब्रम की राइट साइड में ये चीजें बता रही है। आगे जो लेफ्ट साइड है उसका क्या फंक्शन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। द लेफ्ट साइड हेल्प्स यू विद ऑल द ब्रेनी थिंग्स, जो लेफ्ट साइड है वो हमें सारी ब्रेनी थिंग्स के अबाउट हेल्प आउट करती है, लाइक मैथ, साइंस, वर्ड्स एंड लैंग्वेज, जो वर्ड्स वगैरह उनके अबाउट, साइंस के अबाउट, मैथ के अबाउट, लैंग्वेज के अबाउट, ये जो सारी चीजें होती हैं हमें इनके अबाउट बताती है, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो ये था डिफरेंस राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में। अब आपने क्या करना है, जो कि मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ये टॉपिक, अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, पहले आपने अपनी नोटबुक पे नोट किए हुए हैं तो ठीक है, आप वहाँ से इनको जस्ट लर्न कर लें। अगर आपने इनको नोट नहीं किया हुआ, यानी कि अगर किसी ना किसी वजह से वो आपसे मिसअप हो गए थे, आपने लेक्चर नहीं लिया वो पीछे वाला, तो आप क्या करें, आप अभी इनको अपनी नोटबुक्स पर नोट करें, और नोट करने के बाद आपने राइटिंग अपनी जो है वो बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। नोट करने के बाद आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करना है, आपको पता हो कि सेरिब्रम बिगेस्ट पार्ट है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या डिफरेंस है, क्या ये करती है, ठीक है।
तो कल इंशाल्लाह ताला आगे हम पेज नंबर 6 करेंगे। थैंक यू।